नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जो आप ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उसमें अलग अलग आपको अनुभव होते हैं। तब ध्यान और मंत्र जाप की दिशा में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको अलग अलग अनुभव हो सकते हैं। ध्यान और मंत्र जाप जो है वो कोई पर्सन, कोई व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, बालक हो, सबके अलग अलग अनुभव होते हैं। कोई व्यक्ति मंत्र जाप करता है, ध्यान करता है, तो कुछ लोग भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं। भगवान की भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, तो उनके एक अलग अनुभव होते हैं। कुछ व्यक्तियों के मंत्र जप और ध्यान करने में उनको वो योग के द्वारा करते हैं, जिसमें वो ईड़ा से पिंगला, पिंगला से इडला, ईड़ा और सुषुम्ना को जागृत करने की कोशिश करते हैं। वो जो उनका अपना पद्धति होता है। कुछ लोग होते हैं जिनका हृदय साफ होता है, वो भी मंत्र जाप और ध्यान करते हैं या भगवान का नाम सिर्फ लेते हैं, तो उनके अपने अनुभव होते हैं। कुछ लोग हठ योगी होते हैं, वो बिना खाना खाए या बिना जल के या एक पैर पे खड़े होके हठ से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। ये अलग अलग ध्यान और मंत्र जाप में या आध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ने के अलग अलग पद्धति है, अलग अलग लोगों के अनुभव है। एक बार एक छोटा सा बालक था, वो भगवान शंकर का बहुत भक्त था, तो उसके बाद उसको उसके माता पिता ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद फिर उसको कहा कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। एक छोटा सा बालक, 10 साल का बालक, और भगवान शंकर में उसको बहुत रुचि थी। तो भगवान शंकर स्वयं आके उसको दरवाजे से बाहर ले गए और सुबह जब देखा तो वह भगवान शंकर के शिवलिंग के पास में सोया हुआ मिला। दरवाजा बंद था, तो फिर उस बात की चर्चा पूरे गांव में हुई और उस बात की चर्चा जो उधर क्षेत्र के जो राजा थे उनके पास गई और उन्होंने आके उसके चरणों में वंदन किया और वहीं पे फिर एक मंदिर का निर्माण किया। तो अब इसमें 10 साल के बालक ने कौन सी कुंडली जागृत कर ली, 10 साल के बालक ने कौन सी भक्ति कर ली, 10 साल के बालक ने कौन सा योग कर लिया, लेकिन फिर भी 10 साल के बालक ने भगवान की प्राप्ति कर ली, भगवान का चमत्कार देख ली। एक दूसरी घटना है जिसमें एक छोटा सा बालक था, वो एक गंगा नदी के किनारे एक जगह पे खड़ा था, अपनी बकरियां चरा रहा था। तो वहां पे एक व्यक्ति जो पूजा पाठ करता था, वो आके वहां पे नदी में डुबकी लगा के बार बार निकलता था। उसने बच्चे ने पूछा कि तुम क्यों डुबकी लगाते हो, उन्हें इससे भगवान मिलते। उसको बात दिमाग में आ गई। 2 दिन के बाद जब वो पुजारी नहीं था, तब उस समय वो बकरियां चलाने वाला गंगा नदी के अंदर डुबकी लगाने लगा, पर उसको भगवान नहीं दिखे। तो वो अंदर डुबकी लगा के अंदर ही रुक गया कि शायद मेरे डुबकी लगाने में कुछ कमी रही होगी। इतने में उसके सांस फूलने लगे,
उसमें स्वयं भगवान विष्णु आए और आने के बाद उसको अपने गोद में उठा के उसके बाहर निकाला और किनारे पर ला के रख दिया। पूछा कि तुम को मर जाते थे, तो उसने कहा कि मुझे भगवान से मिलना था। और पुजारी ने कहा था कि डुबकी लगाने से भगवान मिलते, तो मैंने डुबकी लगाई और आप नहीं मिले थे। मुझे लगा मेरे डुबकी लगाने में ही कुछ कमी रहेगी। तो बात कितनी गहरी है, क्यों भगवान में कमी नहीं, उसने अपने में कमी ढूंढी कि हमारे में ही कुछ कमी रही होगी जो हम भगवान की तरफ अपना हृदय नहीं बना पाते। उसके बाद वो भगवान ने कहा कि तुमको जब मुझे मिलना है तो मिल सकते हो, लेकिन इस तरह से मत करना। और बोला ठीक है। उसके बाद अगले दिन पुजारी आया तो पुजारी ने बोला कि वो डुबकी लगाने लगा। उसने कहा पुजारी मैं कल ही भगवान विष्णु से मिला, मैं डुबकी लगाया तो आए मुझे निकाल के यहाँ पर। उसने पुजारी ये सुन के हक्का बक्का रही, वो बाहर आया और उसकी बातों को ध्यान से सुन और उसके चरणों में वंदन किया कि हम इतने टाइम से ये सब करते हैं लेकिन शायद हमारा हृदय साफ नहीं है, इसलिए भगवान ने हमें दर्शन नहीं दिए। उसमें वो छोटे से बच्चे ने कौन सा कुंडली जागृत कर लिया या कौन सा उसने, आपका हृदय अगर साफ है तो कुछ लोग योग के बल से भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं, कुछ लोग कुंडली जागृत के बल पर भगवान को प्राप्त हो, कुछ लोग भक्ति योग से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, कुछ लोग का हृदय साफ होता है, उन्हें मालूम भी नहीं कि वो भक्ति है कि नहीं, उनका हृदय साफ होता है और वो भगवान को पा लेते हैं। हरि ओम, जय श्री कृष्ण, राधे 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 राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय।